अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सी परवेज़, आई एम डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। आजकल एक वाक़या चल रहा है, एक ज़ैन नकवी डॉक्टर हैं, हमारे डेंटिस्ट हैं, उनको पुलिस वाले कुछ उठा के ले गए थे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट के उनकी डिग्री जाली है, जबकि डिग्री जाली नहीं है। इज़ ए ग्रेजुएट ऑफ दारुल सेफ एंड मेरे ख्याल से हमारी कमेटी को ये नहीं पता कि जो डिग्री अवार्ड की जाती है वो किसी एफिलिएशन से अवार्ड की जाती है। तो कराची यूनिवर्सिटी इज़ अ बॉडी जो कि हमें डिग्री अवार्ड करती है, उसकी एफिलिएशन से दारुल सेफ, फातिमा जिना, अल्तमश एंड जिना, ये चार हॉस्पिटल हैं जो कि एफिलिएटेड हैं कराची यूनिवर्सिटी से, और वहाँ से उनको डिग्री मिलती थी पहले। तो ये जो लास्ट बैच था इन लोगों का ज़ैन नकवी का था, जिनको कराची यूनिवर्सिटी से डिग्री अवार्ड की गई है एंड PMDC से वो रिकग्नाइज है। मैंने खुद फातिमा जिना से की है एंड हमारी डिग्री भी कराची यूनिवर्सिटी वाली है। अब जो नए बैचेज आ रहे हैं वो जिना सिंध मेडिकल कॉलेज से रिकग्नाइज है उनकी डिग्री। पुलिस वालों को कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी भी डेंटिस्ट के ऊपर इस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती करें और उनकी रिकग्नाइज डिग्री पे उनको ऐसा क्वैक साबित करके उनको जेल में डाल रहे हैं। सदर के अंदर क्वैक की पूरी फौज इकट्ठी है, कोई उनको बंद नहीं करता, कोई उनको नहीं पूछता, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उनको आप ऐसे जलील करके जेल में डाल रहे हैं फॉर नो रीज़न एट ऑल। इस लड़के को मैं खुद जानता हूँ पर्सनली, आई थिंक ही वॉज़ अ ईजी टारगेट, इसलिए पुलिस वाले ने उसको टारगेट किया है, और बहुत गलत बात है। पहले ज़माने में मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन होता था जो कि एक नोबल प्रोफेशन होता था, बट मेरे ख्याल से पाकिस्तान में मेडिकल प्रोफेशन इज़ नॉट अ नोबल प्रोफेशन। मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उनकी, डॉक्टर्स डेंटिस्ट जिसको भी कंसिडर करें, उनकी एक औकात है सिर्फ ड्राइवरों के हद तक, मतलब पे उनको मिलती है 25-30 हज़ार रुपये, जिस पर वो लोग पुलिस वाले से जूते भी खाएँ और आवाम से भी जूते खाएँ। मुझे अभी भी याद है डाओ में मैं था, एक 8 मंथ्स प्रेगनेंट एक लड़की थी जो कि गायनेकोलॉजिस्ट थी एंड वो एक फीमेल औरत की डिलीवरी करवा रही थी। ड्यूरिंग द डिलीवरी फॉर नॉर्मल प्रोसीजर, कोई प्रोसीजर एक्शन नहीं था, उस लड़की की बेबी की डेथ हो गई। तो घर वालों ने आके उस जो डॉक्टर थी जो 8 मंथ्स प्रेगनेंट थी उसको आके उन्होंने लाते मारी, उनके मुंह पे थप्पड़ मारा और कहा कि हमारे बच्चों को मारा, हम तुम्हारे बच्चों को ख़त्म कर देंगे। मतलब वॉट इज़ दिस, क्या हो रहा है ये मेडिकल प्रोफेशन में? मतलब या तो हम लोग अपने पास सिक्योरिटी थ्रेट्स हों, हम लोग अपने पास सिक्योरिटी गार्ड्स रख के काम करें, मेडिकल प्रोफेशन की मतलब कोई इज्जत नहीं रही। ये नया वाक़या हो गया कि मतलब एक डेंटिस्ट जो कि प्रोफेशनल इज़ ए डेंटिस्ट, एक ऑफिशियल डेंटिस्ट है, कोई एक्ट नहीं है, उसको आप उठा के जेल में ले जाते हैं, उसके बाद आप उसको जेल में रखते हैं, उसको हरास करते हैं, उसके बाद कोर्ट के मुकदमे चलाते हैं, जबकि उसके पास PMDC की डिग्री है जो कि रिकग्नाइज डिग्री है। अगर आप PMDC की तरफ देखें तो PMDC नेम रिटेन्ड अप टू 2021, मतलब ये आप नाम भी देख सकते हैं, ज़ैनुल आबिदीन नकवी PMDC रिकग्नाइज है। तो इससे पहले कि आप इनको कुछ बोलें आपको PMDC से बात करनी चाहिए ना, मतलब पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल किसी वजह से बनी हुई है ना, तो पुलिस का डॉक्टर को हरास करने में क्या काम है? मैं इस मामले में चाहूँगा कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आरिफ अल्वी वो इस चीज़ पे एक्शन लें, और जो भी पुलिस वाले हैं एंड जो भी SHO whoever is involved in this, उसको उसके ऊपर उल्टा केस होना चाहिए कि उसको अगर इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो उसको इस चीज़ की नॉलेज देनी चाहिए, दैट दे शुड अंडरस्टैंड कि डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन है। और मैं समझता हूँ कि हमें इस सब प्रोटेस्ट जो भी हो रही है उसमें आना चाहिए, सबको वहाँ होना चाहिए, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि एक हदीस है कि अगर आप कोई बुराई देख रहे हैं तो उसको हाथ से रोकें, अगर आप उसको हाथ से नहीं रोक सकते तो कम से कम उसको दिल में तो बुरा जाने ना आप लोग। जब मैं प्रेस क्लब के सामने पहुंचा तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि हमारे बहुत सारे डेंटिस्ट दोस्त जो है वो ज़ैन नकवी को राइट दिलाने के लिए आए हैं, बट ऐसा नहीं था, ये नर्सिंग स्टाफ आया हुआ था ऑल ओवर सिंध से अपने राइट के लिए। तो जब एक नर्सिंग कम्युनिटी आपस में यूनाइट होके अपने राइट के लिए लड़ सकती है तो वाई नॉट आर डेंटल कम्युनिटी? आई थिंक हम डेंटिस्ट को भी चाहिए कि एक दूसरे को, चाहे वो छोटी बड़ी बात हो चाहे बड़ी बात हो, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और यूनाइट होके आई थिंक सबको रहना चाहिए ताकि किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो सके। इसके लिए आप लोग सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है कि पूरे अपने राइट के लिए, और इंशाल्लाह आप लोगों का राइट मिलता है, इंशाल्लाह बिल्कुल, हम जब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलता नहीं जाएंगे, जितनी वही बात है, जब तक राइट नहीं होंगे पूरा सिंध से आप लोग, सिर्फ कराची से नहीं, पूरे सिंध से और पूरा कराची, वही बात है, जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक कोई हमारी बिल्कुल यूनिटी है। सिंध के तमाम मसला में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे भी हमने ICU, इमरजेंसी, OT, जनरल वार्ड सारे कवर हमने बंद कर दिए, कहीं पे भी काम नहीं होता। जैसा कि आप लोगों ने देखा, जो फार्मेसी वाले बैठे हैं, नर्सिंग वाले बैठे हुए, वो अपने किस राइट के लिए बैठे हुए हैं
और वो पूरे सिंध से आए हैं, कराची से सिर्फ नहीं आए, हम सिर्फ कराची वालों को बुलाना चाह रहे हैं और कराची वाले सिर्फ डेंटिस्ट यहाँ पे अपीयर नहीं हुए। दीज आर द ओनली डेंटिस्ट जो कि अपीयर हुए हैं ज़ैन नकवी के लिए। बहुत अफसोस की बात है हमारी डेंटिस्ट कम्युनिटी के लिए कि नर्सिंग का आप देख सकते हैं पूरे कैंप लगा के बैठे हुए एंड से वो कराची से नहीं आए, वो पूरे सिंध में से आए और उसके बाद दे आर यूनाइटेड। हम लोग की डेंटिस्ट कम्युनिटी में सारे लोग शोर मचाते हैं और उसके बाद आते नहीं हैं, तो जो हम लोग के साथ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। आज नकवी के साथ हुए, ज़ैन नकवी के साथ कल हमारे साथ होगा, सब खुशी खुशी चुप करके बैठ जाएंगे। ये हम लोग के लिए सोचने का मरहला है कि सिर्फ दिस इज़ द कम्युनिटी ऑफ डेंटिस्ट जो कि अपीयर हुए हैं सिर्फ दारुल सेहत से, मतलब ना फातमा जी ना अल्तमश किसी और कॉलेज से एक डेंटिस्ट भी अपीयर नहीं हुआ, और ये बहुत बड़ा केस है जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा और जो हमारे साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है मेरे ख्याल से। मैं डॉक्टर ज़ैन विक्रम ऑपरेट ऑफ सिंह कॉलेज हुआ। दरअसल ये था कि फ्राइडे को शाम 4 बजे मैं अपने क्लिनिक में काम कर रहा था, अचानक पुलिस वाले आए, आकर मुझे ले गए बिना कुछ देखे बिना कुछ जाने। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, एवरीथिंग इज ओरिजिनल, कोई थिंग भी फेक नहीं थी। डायरेक्ट मुझे ले गए सदर थाने, उधर से प्रोफेसर गोरा कपड़े थाने, वहाँ जाके मैंने उनको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन की, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ये डिग्री चूकी है जाली है, उसके अलावा PMDC मेरा एक्सेप्ट नहीं किया, उसके अलावा मुझ पर दफाएँ लगाने लगे, उसके अलावा बहुत बदतमीजी की उन्होंने, ठीक है। उसके बाद मेरी FIR काटी और उसके बाद मुझे लॉकअप में डाल दिया 4 घंटे। ना वो बात सुन रहे थे ना समझ रहे थे, हमने ऑनलाइन वेरीफाई किया उनको, वो भी उनको समझ में नहीं आ रहा था। उसके अलावा कहते मेरी मर्जी मेरे रूल्स हैं, आप लोग कौन होते हैं बोलने वाले। उसके अलावा साथ हैरेसमेंट भी की, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दलील किया, मेरे पर हाथक उठाने की कोशिश की गई। उसके बाद ये हुआ मुझे लॉकअप में डाल दिया, उसके बाद मेरा CRO हुआ, उसके बाद तकरीबन रात के 3 बजे मुझे बेल हुई है। उसके बाद मेरा इन शॉर्ट कहने का मकसद यही है कि जो भी एक्शन है जो नॉन लीगल है जो फैक्ट है उनको अगेंस्ट लिया जाए समझ में आता है। हम डेंटिस्ट को आप लोग क्यों उठा के लेके जा रहे हैं इस तरह से, हमने क्या किया, बस लीगल डॉक्यूमेंट्स है लाइसेंस है, इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए किसी भी पुलिस से। मैसेज इन शॉर्ट ये है कन्वे करने का कि मतलब जो चीज़ मेरे साथ हुई है उसका मुझे इंसाफ चाहिए, ठीक है, उस दिन पुलिस से। उसके अलावा ये कि ऐसा जो कुछ है आईना में किसी दूसरे भाई बहन के साथ ना हो, क्लिनिक में बैठा हो, उसको हिरासत में ले लिया जाए। पटना हुकूमत से अपील है कि मतलब और प्रेजिडेंट से कि मतलब इस बात पर एक्शन ले और जिसने ऐसा किया उसको सस्पेंड किया जाए, उसको कड़ी सजा दी जाए। तकरीबन 5:30 हो गए और 15 से 16 ही डेंटिस्ट आए थे सपोर्ट करने, उसके अलावा कोई भी नहीं आया। इसके बरक्स अगर देखा जाए फार्मेसी और नर्सिंग के जो स्टाफ आया हुआ था सिर्फ उन्हें पे बढ़ाने, और सिर्फ पे बढ़ाने वो पूरे सिंध से आए हुए थे, मतलब सिर्फ कराची से नहीं आए हुए थे, पूरे सिंध के अंदरून सिंध से भी आए हुए थे। और वो लोग हॉस्पिटल वगैरह से बायकॉट करके आए हुए थे, वो पेशेंट्स डील नहीं कर रहे थे, मतलब उनको मना करके आए थे कि हम पेशेंट डील नहीं करेंगे, तो वो बेसिकली हड़ताल करके आए हुए थे। हम लोगों ने ना कोई बायकॉट किया ना हमने हड़ताल की, हम सिर्फ अपना राइट मांगने आए थे कि बिला वजह एक डेंटिस्ट को जो कि वैलिड PMDC रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से उसने वो अपना डिग्री लिए उसको जेल में बंद किया गया, ये कह के कि उसकी डिग्री जाली है। वो एक सब काम कर रहे हैं, जाली डिग्री वाले सब काम कर रहे हैं, लेकिन जिसके पास अथेंटिक डिग्री है उस बंदे को हम जेल में डाल रहे हैं। तो हम इस बात के लिए लड़ने आए थे, मतलब हम एक राइट के लिए लड़ने आए, उसके लिए हमारे साथ कोई सपोर्ट के लिए नहीं आया, विच इज़ वेरी सैड। एंड यही वजह कि मेरे ख्याल से जो हमारा कराची और सिंध है इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते। ये चीज़ अगर पंजाब में होती तो पूरी जो यूथ डेंटल यूथ है वो पूरा इकट्ठा हुआ होता एंड यकीनन इस लड़के को उसकी जो डिज़ायर राइट्स हैं वो मिलने चाहिए थे। खैर बहरहाल आप लोगों क्योंकि फेसबुक पे 300 लोग थे जो इंटरेस्टेड थे आने में, तो मैं उन लोगों से ही कहूँगा कि जो 300 लोग इंटरेस्टेड थे आने में कम अज़ कम वो फेसबुक पे घर बैठे बैठे एक काम तो कर सकते हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कम से कम ये RFLV तक, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर RFLV, उन तक ये वीडियो पहुँचे और शायद वही इस बात पे एक्शन ले सकें, तो क्योंकि वो भी हमारी फील्ड से है डेंटल के, तो आई थिंक एक डेंटिस्ट को दूसरे डेंटिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं डॉक्टर RFLV साहब से कहूँगा कि मतलब डू लुक इन टू दिस मैटर। ज़ैन नकवी नाम है लड़के का, दारुल सेहत ग्रेजुएट है एंड कराची यूनिवर्सिटी ने उसको डिग्री अवार्ड की थी एंड PMDC उसका रिकग्नाइज है 2021 तक। Do share this video with your friends. Thank you, Allah Hafiz. Hello, darkness, my